हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 4 जुलाई। 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जाता है। तो अगर बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों में अवेयरनेस फैलाना कोऑपरेटिव्स के प्रति। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 1995 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और अगर बात करें इसके थीम की, तो 2020 में इसका थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शंस, और ये है इसका लोगो। तो अगर बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फाउंडेशन 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सही जवाब है 4 जुलाई। 4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो अगर बात करें इस इवेंट की, तो इस इवेंट को मनाया क्यों जाता है 4 जुलाई को? अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, तो 4 जुलाई 1776 में 13 अमेरिकन कॉलोनी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। किससे? ब्रिटिश एम्पायर से। और इस इवेंट को कहा जाता है द 4th of July भी। तो अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है? करेंसी है US डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इस कैंपेन के तहत 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में 31 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि पर्यावरण में प्रदूषण को कम किया जा सके। अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने यूनिसेवियर नामक डिस इन्फेक्शन बॉक्स विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड यूनिसेवियर डिस इन्फेक्शन बॉक्स? तो हाल ही में IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने एक डिस इन्फेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है, जो कि डिस इन्फेक्टेंट करने में मदद करेगा PPE किट्स को और मेडिकल पर्सनल के सभी इक्विपमेंट को, ताकि कोरोना वायरस के फैलने को रोका जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? रिसेंटली एडवर्ड फिलिप रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पी रमेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली पी रमेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? तो हाल ही में पी रमेश कुमार जी को आंध्र प्रदेश का स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें पी रमेश कुमार जी की, तो ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, जिनको हाल ही में आंध्र प्रदेश का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें ये ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, तो ही विल होल्ड द ऑफिस फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग चार्ज और टिल अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। और CM है आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। तो अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस समूह ने भारतीय एयरटेल डेटा सेंटर व्यवसाय में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? रिसेंटली विच ग्रुप हैज बाय 25% स्टेक इन भारती एयरटेल डाटा सेंटर बिजनेस? तो हाल ही में
कार्लाइल ग्रुप ने भारतीय एयरटेल में 25% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो अगर बात करते हैं कार्लाइल ग्रुप, कार्लाइल ग्रुप एक अमेरिकन कंपनी है जिसने भारतीय एयरटेल में 25% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अगर बात करें भारतीय एयरटेल की, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके फाउंडर और चेयरपर्सन है सुनील मित्तल जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो नए प्रधानमंत्री नियुक्त भी हो गए हैं। तो नए प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं। तो अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है पेरिस। और करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार अर्जित किया है? विच कंट्री हैज एक्यूमुलेटेड द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज? तो भारत, हमारे प्यारे भारत देश ने दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार अर्जित किया है, जो कि 500 बिलियन से भी ज्यादा है। तो अगर बात करें नंबर वन पोजीशन पे कौन है, नंबर वन पोजीशन पे है चाइना। चाइना के पास सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसके बाद किसका नंबर है? दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है और चौथे नंबर पर रशिया, और पांचवें नंबर पर हमारा भारत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए टूल किट को किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द टूल किट फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण? तो हाल ही में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है। तो अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो यह क्लीनलीनेस को सर्व करने के लिए सिटीज में शुरू किया गया है, उसी के लिए इस टूल किट को लॉन्च किया गया है, ताकि शहरों को और राज्यों को सर्वेक्षण करने में मदद की जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुखबीर सिंह संधू को 6 महीने का विस्तार दिया गया है, वे किस संगठन के अध्यक्ष हैं? रिसेंटली सुखबीर सिंह संधू हैज बीन गिवन 6 month एक्सटेंशन, ही इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सुखबीर सिंह संधू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इन्हीं को 6 महीने का कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो अगर बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है हाईवे को मेंटेन करना, नेशनल हाईवे को, और उनको डेवलप करना। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर ने गैर कोविड मरीजों के लिए धन्वंतरी रथ सुविधा शुरू की है? रिसेंटली विच सिटी हैज स्टार्टेड धन्वंतरी रथ फैसिलिटी फॉर नॉन कोविड पेशेंट? तो हाल ही में अहमदाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कोरोना मरीजों के लिए धन्वंतरी रथ सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत एक मोबाइल वैन होगी जिसके अंदर सारी इसेंशियल्स हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों के डोर टू डोर पहुंचाई जाएंगे, ताकि उनको कोरोना मरीजों के कांटेक्ट में आने से बचाया जा सके। तो अगर बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद गुजरात स्टेट का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। तो इसी के साथ अगर गुजरात के बारे में बात करें, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और सीएम है विजय रूपानी गुजरात के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर बात करते हैं कल के क्विज क्वेश्चन की पूछे जाने की, तो कल मैंने क्विज में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच इंडियन अंपायर हैज बीन इंडक्टेड इन आईसीसी एलीट पैनल? तो इसका सही जवाब था नितिन मेनन। नितिन मेनन को आईसीसी के एलीट पैनल में अभी शामिल किया गया है, ताकि वह आईसीसी के सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग कर सके। तो इसी के साथ आज के क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च
हर घर जल कैंपेन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और इसको हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। तो इसके साथ करेंट अफेयर्स का वीडियो आज खत्म होता है, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में।